नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो, एक सबसे महंगी मशीन जिस पे आप जो है कपड़े रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सबसे महंगी मशीन जो है मैंने फिटकिट के थ्रू ली है, और इस पे जो है आप कपड़े रख सकते हैं, आप जैकेट रख सकते हैं, टोपी रख सकते हैं, मोजे फंसा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये मशीन जो है मल्टीपर्पज़ है। सो इसमें सबसे मेन काम इसका जो है कपड़े रखने का, उसके बाद जो है अगर बच्चा कुचा कुछ है तो आप दौड़ भी सकते हैं, लेकिन दौड़ने के लिए मशीन जो है सही होना जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो बेसिकली बात यह है कि मैंने इस मशीन को जो है अक्टूबर के अंदर खरीदा था, और ये इसको दबाते हैं तो नीचे भी आ जाता। सो इस मशीन को मैंने अक्टूबर में खरीदा था, और मैंने सोचा था कि इसकी एक रिव्यू वीडियो या अनबॉक्सिंग वीडियो जो है मैं बनाऊंगा आप सबके लिए, लेकिन एक महीने यूज़ करने के बाद। तो अक्टूबर में मिड में ख़रीदा था मैंने, और 10-15 दिन ही चलाए हुए थे कि उसके बाद जो है मशीन ख़राब हो गई। ख़राब से मतलब है कि इसके अंदर आवाज़ आने लगी, और इसका जो मोटर है वो रुक रुक के चलता था। अगर इसके ऊपर भागते हैं मान लीजिए तो झटके लेके भागता, तो इससे इंजरी के चांसेस बहुत हो सकते थे। तो मैंने क्या किया कि फिर फिटकिट से रिपोर्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे नंबर ढूंढने में ही 10-12 दिन लग गए। तो मैं जाके जो है दिसंबर 7 को एग्जैक्टली मैंने केस रजिस्टर किया कि मेरी मशीन जो है ख़राब है, आप आइए और इसको सही करिए। तो टेक्नीशियन जो है 3-4 दिन बाद आए, उनसे भी मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ा, और मुझे बहुत लोगों से बात करनी पड़ी इस दरमियान, तब जाके टेक्नीशियन आया। और टेक्नीशियनों ने जो है मोटर को निकाला। मोटर निकालने के बाद उन्होंने बताया कि मोटर आपकी ख़राब हो चुकी है, और इसके लिए हम आपको मोटर रिप्लेस कर देंगे, बशर्ते आपको क्या करना होगा, मोटर आपके घर पर रहेगी और फिटकिट के थ्रू ही कोई आएगा मोटर को लेके जाएगा। तो मैं 15-20 दिन वेट करता रहा, जब कोई नहीं आया तो वापस से मैंने फिटकिट में कॉल किया, फिर से उन्होंने अरेंज करने की बात करी, फिर 3-4 नंबर मुझे पकड़ाए गए, मैं कोऑर्डिनेट करता रहा इधर से उधर, बहुत सारे लोगों को। फाइनली एक कुरियर वाला आया, वो भी मुझसे पैसे मांग रहा था कि फिटकिट को भेजनी है मशीन, तो आप पैसे दो, फिटकिट से मेरी कोई बात नहीं है। तो उस दरमियान भी बहुत सारे झंझट हुआ, और मुझे जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ा ढेर सारा, तब जाके ये मोटर जो है गई। अब मोटर जाने के बाद जो है मैं फिर से फिटकिट को कोऑर्डिनेट करने के लिए फ़ोन किया कि क्या हुआ, मोटर तो चली गई, मोटर वापस नहीं आई, कब मेरा फिटकिट जो है सही होगा। तो मुझे वहाँ से जवाब आता है कि आपकी मोटर अभी रिसीव नहीं हुई, अभी इसको एक महीना लगेगा, ये है वो है। तो काफ़ी सारी बातें ऐसे चलते चलते आज January 14 हो गई है, मकर संक्रांति का दिन है आज, और इस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो मशीन ख़राब पड़ी है, मोटर रिप्लेसमेंट की कोई बात नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये कपड़े रखने के काम आ रही है मेरी मशीन। सो आपको कपड़े रखने के लिए अगर कोई मशीन ख़रीदनी है तो फिटकिट आपके लिए बेस्ट है, फिटकिट आप खरीद सकते हैं। सो जैसे कल मैंने बात करी तो उन्होंने फाइनली कहा कि चलिए हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन रिफ़ंड भी आपको 90% करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जो है मशीन को एक महीने यूज़ कर लिया। तो चलिए हम मान लेते हैं कि शोरूम से कोई भी सामान आता है तो वैसे ही वो डेप्रिशिएट हो जाता है, और डेप्रिसिएशन जो है लग गई इसके ऊपर, मान लीजिए कि 10% डेप्रिकेट भी हो गया, इसके वैल्यू गिर भी गई, लेकिन उस 10% को डेप्रिकेट कर दिया उन्होंने, लेकिन जो मैंने मेंटल प्रेशर झेला, जो कोऑर्डिनेट किया, जो मैं सोच रहा था कि इस मशीन को ख़रीदने के बाद मैं फिट हो जाऊंगा, दौड़ूंगा तो, या आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, और अगर आप जो है ऐसे ट्रेडमिल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप 10% बाद में रिडक्शन जो है लेके, और आप मेंटल प्रेशर झेलना चाहते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात जो है, कल ही मुझे पता चली, मैं सोच रहा था कि चलो वो पैसे मुझे वापस कर देंगे तो मैं नई मशीन ले लूँगा, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस आजकल बहुत ज़रूरी है। वैसे मुझे बात करने पर पता चला कि RPM फिटनेस भी जो है उन्हीं का ब्रांड है। सो आप समझ सकते हैं कि RPM फिटनेस एंड फिटकिट बोथ जो है उन्हीं के ब्रांड है, तो आफ्टर सेल सर्विस उसकी कितनी ख़राब है आप इसी से समझ सकते हैं। सो और क्या मैं बोलूँ कि आप जो है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप मेंटल प्रेशर लेना चाह रहे हैं, और उसके बाद 3-4 महीने 10-20 लोगों से कोऑर्डिनेट करने के बाद, दिमाग ख़राब करने के बाद, अपने पैसे को 10% कम लेके किसी से वापस करना चाहते हैं,
सो आप ये फिटकिट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है मल्टीपर्पज का ही मशीन, आप इसके ऊपर ये डाल सकते हैं, बेसिकली कुछ भी रख सकते हैं और ऐसे आराम से ये मशीन आपका जो है जगह भी घेरेगी। मेरा ये हॉल है, बेसिकली आप देख के पा रहे हैं तो हॉल में पड़ी हुई है। चलिए फिर इस कपड़ों को हटा के ओवरऑल जो है मैं फिटकिट को जो है दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसा दिख रहा था। कपड़ों को हम साइड में हटा देते हैं। अनबॉक्सिंग तो मैं आपके लिए कर नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर मोटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको चला के भी दिखाता। तो ये मैंने लिया था फिटकिट का मशीन, इसका मॉडल नंबर 100XMR करके है, शायद यहाँ पे लिखा भी रहता है, अब देख पा रहे होंगे 100XMR करके इस मॉडल का नाम था। तो ये मॉडल लिया था और इस पर ये मैग्नेट वाली चीज़ आती है। ये बेसिकली जो है क्या करता है, आप दौड़ते हैं और इसको आप अपनी शर्ट के साथ ऐसे टाई अप कर सकते हैं इसको खोल के, और जैसे ही अगर आप गिरते हैं या कुछ भी झटके लेती है मशीन तो ये अपने आप बंद हो जाता था। तो इसके लिए था एक इन्होंने ऑडियो के लिए ये 3.5 mm का जैक दे रखा था जिसको आप मोबाइल से कनेक्ट करके और गाने वगैरह सुन सकते थे। लेकिन ऑडियो के स्पीकर की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, मतलब जिस हिसाब से मशीन की कीमत है उस हिसाब से ऑडियो क्वालिटी नहीं थी। और इसको मैंने लिया था मसाजर के, तो ये भी ये टेक्नीशियन जो है खोल के गए थे बेसिकली, तो उसी का पार्ट पड़ा हुआ है। ये मसाजर के साथ था तो मसाजर तो आज भी वर्क करता, सो मसाजर को मैं थोड़ा सा डेमो करके आपके लिए दिखा देता हूँ कि मसाजर जो है कैसा चलता है। इसको डेमो दे ही सकता हूँ मैं, भले रनिंग का ना दे दूँ, तो इसको प्लग में लगाना है, ऑन करना है, तो यहाँ पर बटन है इसको ऑफ करिए, इसको ऑन करिए और इस मसाजर को आप लगा सकते हैं ऐसे, और इसके बाद आप चला सकते हैं सिंपली। तो मसाजर आपकी जो है पूरे नंबर की मसाज कर देगा। तो ये था मसाजर, के मसाजर से उसका बेनिफिट नहीं था क्योंकि मेन होता है कि रनिंग आप करेंगे तो रनिंग से आप पतले हो सकते थे। सो इसमें आफ्टर सेल सर्विस जो है बेकार है। अब मैं कभी भी जो है कोई भी ट्रेडमिल नहीं खरीदूंगा। एक और ट्रेडमिल मैंने ख़रीदा था उसको भी वापस करना पड़ा था क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती ट्रेडमिल्स में। सो इससे बढ़िया है कि आप जितने अमाउंट में ट्रेडमिल खरीदेंगे अगर उतना सेम अमाउंट जो है जिम में आप डालेंगे। जिम की जनरली फीस होती है 600 रुपये, 1000 रुपये मंथली फीस होती है। अब जैसे इस मशीन की बात करूँ तो इस मशीन को मैंने 27,000 रुपये ऑलमोस्ट में ख़रीदा था। अगर 1,000 भी मान के चलूँ जिम की फीस तो मैं 27 महीने जिम कर सकता हूँ, यानी कि दो साल में मेरी बॉडी जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी, फिट हो जाऊँगा और मे बी मुझे इतना मेंटल टॉर्चर भी नहीं लेना पड़ेगा। सो आप समझ सकते हैं कि आप फिटकिट के साथ जाना है कि नहीं, आप बेटर आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब रहा। अगर मतलब मेरे एक्सपीरियंस आप नहीं सीखना चाहते तो आप जो है खुद भी खरीद के और थोड़ा मेंटल प्रेशर लेके आप देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए फिर जब ये पिकअप के लिए आते हैं वो लोग और रिफंड हो जाता है तो उस वीडियो को भी मैं मतलब इसी के साथ इंटीग्रेट कर दूँगा, शूट करूँगा और फिर फाइनली ये वीडियो रिलीज़ करूँगा कि पिकअप होने में कितना टाइम लगा। जिस दिन पिकअप भी हो रहा होगा उस दिन भी मैं डालूँगा। अभी तो कल ही मेरी बात हुई कि पिकअप हो पाएगा, अब देखते हैं कितने दिन में कितने लोगों से मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कब पिकअप होता है, कब मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। चलिए फिर उस वीडियो को यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं, आगे उसको मैं डाल दूंगा अगर पिकअप हो जाता है तो। का पैसा जो है मेरे अकाउंट में आ चुका है, ये मेरे पास जैसे ही मैसेज आया मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आज 28 तारीख है, 26 को जो है मुझे फिटकिट से आज़ादी मिली थी, 28 को दो दिन
मुझे इधर उधर बातचीत करनी पड़ी रिफंड के लिए, मेल वगैरह डालना पड़ा, उसके बाद जाके अभी 28 तारीख को शाम को मुझे पैसे रिफंड हो गए हैं। सो पूरी वीडियो, पूरी डिटेल जर्नी आपने वीडियो में देखी ली है कि कैसे कैसे मैं खिटपिट, मैं इसको बोलना चाहूंगा, फिटकिट की जगह अब इसका नाम खिटपिट ब्रांड रख देते हैं। तो फिटकिट और इसके साथ मैं बहुत परेशान रहा। फिटकिट का एक दूसरा जो सेगमेंट है उसका आरपीएम फिटनेस नाम है, आरपीएम फिटनेस नाम से भी ये लोग ट्रेडमिल बेचते हैं। तो फिटकिट और आरपीएम फिटनेस के साथ आप अपना जाना चाहें तो अपने रिस्क पे जाएंगे। 3 महीने 4 महीने में मशीन जो है खराब हो जाती है और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस नहीं है बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और इधर उधर भागते रहेंगे मेरी तरह। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप खुद ट्राई कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और ऐसे ही परेशान हो सकते हैं, फिर इसके बाद इधर उधर आप भागते रहेंगे। तो चलिए फिर इस खिटपिट ब्रांड का रिव्यू मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को देखिए और लोगों के साथ शेयर करिए और उन्हें अवेयर करिए कि अगर कोई भी ट्रेडमिल लेना है तो एटलीस्ट आरपीएम फिटनेस और फिटकिट इस ब्रांड की ट्रेडमिल तो ना ही खरीदे तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कहीं और ब्लॉगिंग करते हुए, रिव्यू करते हुए मैं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही।